الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا وأهليكم نارا صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك ومن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد अल्लाह ताला ने बड़ा फजल व करम का मामला फरमाया। दीन की निस्बत पर अल्लाह ताला ने मुझे आपको यहाँ इकट्ठा फरमाया। दुआ करते हैं अल्लाह ताला की बारगाह में अल्लाह ताला इस मजलिस का लम्हा लम्हा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला का करोड़ा एहसान है, अल्लाह ताला ने मुझे और आपको दीन अहमद की दौलत से मालामाल फरमाया। सारी जिंदगी में और आप इस नियामत का शुक्र अदा करें फिर भी इसका हक अदा नहीं हो सकता। लेकिन जिस माशरे में जिस माहौल में आज हम सांस ले रहे दीन अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो हमारा रवैया है, कुरान के साथ जो हमारा ताल्लुक है, शरीयत इस्लामिया के साथ जो हमारी निस्बत है, वो ताल्लुक इतना कमजोर हो गया, वो निस्बत इतनी कमजोर हो गई। अगर मैं कहूँ तो फुजूल न होगा, हमारे तीनों में दिलो दिमाग में कुरान की दीन की जो अहमियत होनी चाहिए वो अब बाकी नहीं रही। आज हम दीन से दूर हो गए, हमारी औलाद दीन से दूर हुई, मकासिद से दूर हुई, मसाजिद से दूर हुई, कुरान से दूर हुई। और असल बीमारी पता है कहाँ से चलती है, मुसलमान की आदत होती है, वो इब्तिदा पे नजर नहीं करता, अंजाम की धूम पकड़ के खड़ा हो जाता है। ये जो माँ है ना माँ, ये वो यूनिवर्सिटी है, ये वो कॉलेज है, ये वो दरगाह है जिससे नबी भी बेनियाज नहीं। गौस यहाँ पलते हैं, अब्दाल यहाँ पलते हैं, अंबिया यहाँ से जन्म लेते। बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह के सामने बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज की तारीफ लोगों ने इनकी वालिदा के सामने की। वो माँ मुस्कुराते हुए कहने लगी, ठीक है मेरे बेटे की तुम तारीफ करते हो, लेकिन मुझसे भी तो पूछो ना, ढाई साल मैंने मेरे बेटे को दूध पिलाया, एक दिन की कसम ले लो बगैर वजू के दूध नहीं पिलाया।
शाह बहाबुल हक जकरिया रहमतुल्लाह अलैह का दामाद शाह फखरुद्दीन, वो लड़की तो फौत हो गई, फिर नियामत अली शाह किरमानी की बेटी हाफिज जमाल बीबी से शादी हुई। शादी के बाद पानीपत ले गए। शाह शरफुद्दीन कुंवारी बिना कलंदर पेट में है, माँ रोजाना एक कदम कुरान का करती। जब बच्चा दुनिया में आया तो एक तरफ तो खुशी का आलम था, लेकिन कुंवारी बिना कलंदर इतने रोए कि खामोश होने का नाम नहीं लेते। एक बुजुर्ग आए थे मस्जिद में, कपड़े की चादर ओढ़ी हुई थी। शाह फखरुद्दीन ने कहा, अल्लाह ने खूबसूरत झटका दिया है, लेकिन वो इतना रोता है, नाक में दम करा के रखा है, चुप होने का नाम नहीं लेता, आपको वजीफा बदला दी। वो अल्लाह वाले कहने लगे, बच्चे को मेरे पास ले आओ। जब बच्चे को लाया गया, एक कान में मुंह लगाकर कुछ पढ़ा, दूसरे कान में मुंह लगाकर कुछ पढ़ा, बच्चा खामोश हो गया। शाह फखरुद्दीन कहने लगे, अभी आप चले जाएंगे, ये फिर रोएगा, जो वजीफा पड़ा है मुझे बता दीजिए, मैं आपको कहाँ ढूंढूंगा। तो दिल्ली वाला जो बुजुर्ग था अल्लाह वाला कहने लगा, इसकी माँ कुरान की हाफिजा थी, रोजाना इसको पेट में लेकर एक कदम कुरान का करती। अब बच्चा दुनिया में आया, माँ नापाक हो गई, कुरान नहीं पढ़ सकती, वो पुराना नशा छूट गया, नासी का नशा छूटा, आदि की आदत छूटी, बच्चा रोएगा नहीं तो और क्या बोलेगा। मैंने इसके दोनों कानों में कुरान की एक एक आयत पढ़ी, नासी को नशा मिल गया, बच्चा खामोश हो गया। वो क्या माए थी मुतलक। आज हमारे घरों में, गैरों के घरों में क्या फर्क रह गया, सारा दिन फिल्म चलता है, सारा दिन गाना बजता है। ये हालात ऐसे नहीं आते, जब मेरे तुम्हारे अमल बिगड़े हालात बिगड़े, मेरी तुम्हारी नीयतें बिगड़ी हालात बिगड़ गए। अल्लाह ने अपने घर से दूर कर दिया। बैतुल्लाह में हर साल 40-50 लाख का मजमा होता है, कितने लोग हजरत अस्वद को गोसा देने में दबकर मर जाते हैं। इस साल क्या हाल था, कोरोना नहीं, बहुत कुछ आ सकता है। अभी हफ्ता पहले दलदल आया, सूरत भरूच बहुत सारे इलाकों में, अल्लाह चाहे तो एक एक मिनट में हजारों दलदले भेज सकता है। और माँ का भी कसूर है, बचपन से ही दिमाग खराब। जो बच्चा स्कूल जाता है, नहलाती है, व्यंजन इस्तेमाल कराती है, सुरमा सियाही तेल कंगा सब कुछ करके बच्चा उसके बगल में दबा करके देती है, बच्चा भी अंग्रेज की तरफ चला, बड़ा होशियार होता है। कहा अम्मा पिंसल भी खत्म हो गई है, कापी भी लानी है, कलम भी खरीदना है, मास्टर भी चंदा मांग रहा, 10-20-30 रुपए लिए बगैर जाता नहीं। उसी माँ का दूसरा कुरान पढ़ने वाला बच्चा जब वो स्कूल वाले बच्चे को नहलाती है, माँ मेरा भी मुंह धो दे, मैं भी मकसद को जाऊंगा, कहा वन मस्जिद को तेरा उत्ता कर मुंह नहीं भुला सकता। ऐसी माँ अगर मर जाए ना, लाख कुरान पढ़ के बख्श दो, दियानत का सवाब नहीं पहुंचता। इब्तिदान जहन में गंदगी है, इन बच्चों के जहन में ये बचपन से अगर ये असरअंदाजी की जाए, ये अल्लाह का कुरान है, ये अल्लाह का कलाम है और देवार का कलाम नहीं। और अल्लाह कुरान में फरमाता है, फरमाया तंजीलुम रब्बिल आलमीन, कोई बरतानिया वालों की जुबान होगी, कोई रूस वालों का कलाम होगा, कोई जापान वालों की जुबान होगी। अल्लाह फरमाता है, मैं रब्बुल आलमीन का कलाम हूँ, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहरून, इसका तकद्दुस मजरूह न करो, मैं रब्बुल आलमीन का कलाम हूँ, मैं मालिक कायनात का कलाम हूँ, बगैर वुज़ू के हाथ लगाना जायज नहीं। आज हम तवज्जो नहीं करते, आज हमारी तवज्जो नहीं, बड़े बड़े मालदारों की औलाद कुरान नहीं पढ़ती, बड़े बड़े मालदारों की औलाद कुरान नहीं पढ़ते, बड़े बड़े रईसों की औलाद कुरान नहीं पढ़ती, बड़ी बड़ी हसीना की औरतें कुरान नहीं पढ़ती, बड़े बड़े मालदारों की घर की मस्तूरत कुरान नहीं पढ़ती। कौन सा कुरान, मेरा नबी, तुम्हारा नबी, अर्शियों का नबी, फर्शियों का नबी, दरख्तों के एक एक पत्ते का नबी, फूल की खुशबुओं का नबी, फूल की पत्तियों का नबी, चांद सूरज सितारों का नबी, मालिक कायनात की कसम, नबियों के नबी, इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 15-15 दिन दरख्तों के पत्ते चबा चबा कर अल्लाह का कुरान पढ़ा। आज हम हजारों नेमतें खाकर कुरान नहीं पढ़ते।
पिछली उम्मतों ने अपने अपने नबी के साथ बगावत की, औली भी बगावत की, अमली भी बगावत की। अल्लाह फरमाता है मैं खुदा की ताकत कमजोर न हो करी रात को थोड़ी बड़ी हसीना थी, रात को थोड़े बड़े बलावर जवान थे, सुबह को उठे 70,000 को अल्लाह दलील पर दल बना दिया। फरमाया मैं तेरी गलत हरकतों पर क्या बदला लेने के लिए काफी नहीं, वल्लाह अज़ीज़ ज़ुल इंतिक़ाम, बदला लेना मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जिस कुरान को अल्लाह पाक जल्ले शानों की ज़ुबान ने अता फरमाया, जिस कुरान को मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल ऐसे पढ़ा कि बुखारी में कदम मुबारक में भर आ जाता था, जिस कुरान को सुमैया ने अबू जहल के बच्चे के नीचे पढ़ा, जिस कुरान को हुसैन ने तलवार मेजी की नोक पे पढ़ा, जिस कुरान को बिलाल ने तोपते हुए कायों पे पढ़ा, जिस कुरान को 129,000 सहाबा ने तलवारों के साये में पढ़ा, आज हम मुसलमान मर्द औरत इस कुरान को मुर्दों के लिए समझ के रखते हैं। सोना जिंदों के लिए, चांदी जिंदों के लिए, तख्तो ताज जिंदों के लिए, बागो बहार मकान दुकान जिंदों के लिए, अल्लाह का कुरान मुर्दों के लिए। घर में किसी की मैयत पड़ी में इंतजार होता है, तब एक घंटे के लिए कुरान का दाखला घुसता है। 80 साल की तेरी गिबत एक घंटे में माफ हो जाएगी, 80 साल का जीना बदकारी बदमाशी झूठ एक घंटे के कुरान में माफ हो जाएगा। और पढ़ने वाली भी ऐसी होती है, पढ़ते पढ़ते भी गिबत से चलती है, पढ़ती है सूर्य इखलास उंगली घुमा के 28 पे पा रही। अल्लाह फरमाता है मैं किसी की मजदूरी को रद्द करने वाला नहीं, पहले से इबादत करने वाली को बंद। फरमाया इन्नहु वस्समीउल अलीम, फरमाया ओ मेरी बंदी मेरे सिवा तेरे सुनने वाला कोई नहीं, जानने वाला कोई नहीं, इसलिए कि मेरे सिवा तेरा माबूद कोई नहीं। तू मेरी बंदी मैं तेरा खुदा, झोली तेरी अदा मेरी, दर मेरा सर तेरा, तू मानती हुई क्यों थकती है, मैं देता हुआ नहीं थकता, तू मानती हुई क्यों शर्माती है, मैं देते हुए हिजाब नहीं करता। जा सारी दुनिया के लोगों से मांग, सारी दुनिया के लोग तुझे शर्मिंदा करेंगे, बार बार क्यों मांगती है, बल बल क्यों मांगती है, बढ़ा तेरे क्यों मांगती है। अल्लाह फरमाता है मैं तेरा खुदा, तू मेरी बंदी, 24 घंटे मांग, हर आन मांग, हर लम्हा मांग, हर सेकंड मांग, मैं राजी। फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाहु वल हय्युल कय्यूम, मेरे सिवा जिंदा कायम रहने वाला कोई नहीं, मेरे सिवा तेरी बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, मेरे सिवा तुझे शिफा देने वाला कोई नहीं, मेरे सिवा तेरी मौत जिंदगी का फैसला करने वाला कोई नहीं, मेरे सिवा तेरी जिंदगी का निजाम चलाने वाला कोई नहीं, मेरे सिवा तेरा मुश्किल कुशा आदत रवा कोई नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाहु वयुही वयुमीत, तेरी मौत जिंदगी मेरे कब्जे कुदरत में, सारी दुनिया के डॉक्टर एक आदमी औरत को बचाना चाहे, मैं खुदा न चाहूँ कोई न बचा सके, सारी दुनिया के लोग एक आदमी को मारना चाहे, अल्लाह फरमाता है जब तक मैं न चाहूँ कोई उसका बाल भी बेकार नहीं कर सकता। रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन, तेरे बाप दादा का भी रब मैं, तेरा भी रब मैं, भूखा उनको न मारा, तुझे भी न मारूंगा, जुलम न कर, झूठ न बोल, ज्यादती न कर, हराम खोरी न कर, किसी को पता चले या न चले, कोई बड़ा अफसर पूछे या न पूछे, ओ असल हुकूमत तो मेरी है, जब मैं पकड़ने पे आऊंगा इन बदशरों फिकर है शदीद, मेरी पकड़ बड़ी सख्त है, पकड़ूंगा छुड़ाने वाला कोई नहीं। पकड़ा था ना कोरोना में, 8-8, 9-9 महीने हो गए, अभी तक वैक्सीन नहीं मिली। अरे सल्लाह भी काफी नाबदा, तेरी गलत हरकतों पर क्या मैं खुदा पकड़ने के लिए बदला लेने के लिए काफी नहीं हूँ। सब कुछ जानता हूँ, आंखों की इशारों को भी देखता हूँ। अल्लाह फरमाता है इन्नहु अलीमुन बिज़ाति सुदूर,
तुम मेरी नजरों से कभी ओठ में नहीं जा सकते, तुम मेरी नजरों से कभी छुप नहीं सकते, तुम मेरी नजरों से कभी इधर उधर नहीं हो सकते। मैं तेरी हर हरकत को देखता हूँ, तुम्हारे आंखों की इशारों को भी जानता हूँ। अल्लाह फरमाता है, याद रखो मैं वो बेनियाज बादशाह हूँ, खानदान कबीलों की बात नहीं। जब मैं अपनी बेनियाज से पे आ जाऊंगा, मुल्कों के नाम निशान मिटा दिया करता हूँ। अल्लाह की जमीन होता ना कहीं दफा शिकायत करती है मौला, झूठ बोल बोल के मेरे ऊपर चलती है, कीबतें कर करके मेरे ऊपर चलती है, हरामखोरी कर करके मेरे ऊपर चलती है। क्या करते है, मुझे इनकी हरकतों से बड़ी नफरत है। रुकमा बना कर भी बन गया हूँ, अल्लाह पाक चंद्र शाहों की करीम जात रहीम जात, फिर भी जमीन को हुक्म करती है ठहर जा, शायद तौबा कर ले। वो कितनी बड़ी ताकतवर कौम थी, 500 मन का पत्थर एक हाथ से उठा के फेंक दिया करती थी, जिसको भी लगता था उसका भी कुछ न बिगड़ता था। अल्लाह का हुक्म आया, शनिचर के दिन तुम मछलियों का शिकार न करना। इन्होंने अल्लाह के हुक्म के सामने अपना जहन चलाया, अपनी तरकीबें चलाई। अल्लाह फरमाता है, इतने की दिनों को अल्लाह ताला ने चेहरे मस्त कर दिए, बल्लर झिंझिर बना दिया। आज भी वो खुदा मेरी माए बहने पूरी ताकत के साथ मौजूद है। जो गुनाह उन्होंने किया अगर हम करेंगे, जो अदा खुल के आया हमसे भी आ सकता है। इतनी खूबसूरत आंखें बनाई, इतना खूबसूरत चेहरा बनाया, इतने खूबसूरत रथ बनाए, हाथ पांव बनाए, सारा जिस्म मैंने बनाया, दौलत मैंने दी, औलाद दी, रिश्त दिया, अच्छा सा मकान दिया, अच्छा सा खाने पानी का तेरा इंतजाम किया। अब मेरा सर छोड़ के तू अपना माथा कहीं और झुकाती है, शर्म नहीं आती? हमारा बेड़ा तो मेरी माए कब से गर्क हो चुका होता। ये तो हमारे नबी ने ताइफ में दुआ मांगी थी, लाई उस पर पूछ लेना दुनिया में मेरी उम्मत की शक्ल ना बिगाड़। घर में हर वक्त झाड़ू देती है, नजर इधर उधर करती है कहीं कचरा पड़ा हुआ तो। ये मत दुकानों में जाते सबसे पहले झाड़ू पकड़ दी, इधर उधर देखते है कहीं कचरा ना हो। कभी दिलों में भी झांक के देगा कितना कचरा पड़ा हुआ है। भूख है, पीना है, असद है, लालच है, अधिकाई है, झूठ है, बदमाशी है, नियतों में फसाद है, बदवास खराब हुए। अल्लाह फरमाता है, कुलूब अल-मुमिनीन अर्शुन, मेरी बंदी हाथ तेरा, पांव तेरे, आंख तेरी, दिमाग तेरा, नाक तेरा, हाथ पांव तेरे, सारा जिस्म तेरा, मगर तेरा दिल मेरा। अरे हमारी नीयतें खराब हो ना, नमाज पढ़ती है नीयत सही नहीं, कुरान पढ़ती है नीयत सही नहीं। हमारा ईमान कैसा ईमान है, साहबियात का ईमान कैसा था, सुमैया रजी अल्लाह तआला का ईमान कैसा था। हाथों से नहीं पकड़ा, बालों से पकड़कर घसीट कर लाया था भूजल। सारा मक्का मौजूद है मैदान में, सारे लोग हैरान है, आज सुमैया को सजा दी जाएगी। किस चीज की सजा, क्यों कहती है खुदा ये, क्यों कहती है मोहम्मद अल्लाह का सच्चा पैगंबर है। हाथ पांव बांध दिया भूजल है। सारी दुनिया की औरतों का ईमान इकट्ठा करके एक तरफ रखो, मेरा हाथ का अकीदा है, सुमैया के कदमों से उड़ी हुई खाक के बराबर भी नहीं हो सकता। उतबा मौजूद है, उतैबा मौजूद है, शैबा मौजूद है, उतबा इब्न अबी मुआइज मौजूद है, अबू जहल मौजूद है, अबू सुफियान मौजूद है। अबू जहल कहता है, एक दफा कलमे का इनकार करते मैं तुझे छोड़ दूंगा, अगर न किया तो मैं तेरे जिस्म को बाछा मार के जिस्म के फर्श से उड़ा दूंगा। कुर्बान जाऊं सुमैया की ईमान पर, आज की खवातीन का ईमान क्या ईमान है। सुमैया कहने लगी, तालीम देर न कर, पस दिमाग अंत पर बच्छा मार, जान का सौदा कर सकती हूँ, ईमान का सौदा नहीं कर सकती। यही खड़े खड़े जन्नत और फिरदौस के हाथों दरवाजों को पुनः देख रही। हमारे घरों का हाल देखो, हमारे घरों में नमाजों का सिस्टम चलाओ, घरों में कुरान करीम की तिलावत को फरोग दो, इन बच्चों के हाथों में कुरान दो, इन बच्चों को मकतब से वापस ना करो। रोजाना बच्चों को पूछो कि नमाजें कितनी पढ़ी, सुन्नत पढ़ के आया कि वैसे ही आ गया। पर सुबह भेज दिया 7 बजे 9 बजे बच्चे आ गया, कभी माँ नहीं पूछती सर तेरा कौन सा पर्व पढ़ गया, अच्छा थोड़ा सबक मुझे भी सुना, तू जाने तेरा उस्ताद जाने।
ये हमारी वफाए दीन के साथ, शरीयत के साथ, कुरान के साथ। मौलाना आजाद मरहूम ने लिखा, एक औरत थी उसके साथ उसका एक जवान बेटा था, बेटे का नाम था वहाब इब्ने कल्ब। जंगल का रास्ता था, वहां से गुजर रहे थे, अचानक कान में शोर की आवाज आई तो मां ने अपने बेटे से कहा, ये आवाज कैसी है? बेटा कहने लगा, लगता है कोई जंग हो रही है। कहा जा, देख क्या। वहाब इब्ने कल्ब गए दौड़े दौड़े, जाकर के देखा, फिर आए वापस, कहा अम्मा जुलम हो गया। कहा बेटा क्या हुआ? कहा यजीदी लोग हुसैन के बच्चों को बेदर्दी से खत्म कर रहे, गुलशन नबूवत को उजाड़ रहे। वो माँ भी माँ थी, वो माँ कहने लगी, मैंने तुझे हलाल का जना गुस्ल कर करके दूध पिलाया, इतना बड़ा जुलम देखकर तुझे मेरे पास आने की फुर्सत कहाँ से मिल गई? बेटा कहने लगा, माँ इरादा तो था उसी वक्त शामिल हो जाता, लेकिन तू यहाँ सुल्तान यहाँ मेरे इरादे में मेरे इंतजार में खड़ी रहती, तुझे भी तो तकलीफ होती। दरअसल वापसी का इरादा है, मैं तो तुझे बदलाने आया हूँ। वह इब्ने कल्ब गए खेमे में, हुसैन रजी अल्लाह तआला के सामने जाकर के कहा, खानदान नबूवत का सिपाही हूँ, आपका ताबेदार हूँ, शिरकत की इजाजत मांगता हूँ। इजाजत दी, कई अतिथियों को आदमी ने जहन्नम किया, फिर किसी अतिथि ने पीछे से मारी जोर से तलवार, गर्दन दूर जाके पड़ी। मेरी माँ, मेरी बहन, वो माँ वही मौजूद थी, उसने जब अपने बच्चे की गर्दन कटी हुई देखी, हाथ उठाया, झोली फैलाई, कहा मौला मेरे बेटे की कुर्बानी कबूल फरमा। वहाँ जो लोग खड़े थे उन्हें पता चला ये इसकी माँ है, तो कटा हुआ सर उठा के उसकी गोद में डाल दिया, तो चूमा नहीं, बड़ा कटा हुआ सर वापस मैदान में छोड़ दिया। अल्लाह के नाम पर देने के बाद वापस नहीं दिया करते। आज हमारा ईमान कैसा है? आज की मुसलमान औरत हर चीज के बारे में सोचती है, मकान के बारे में, दुकान के बारे में, सोने चांदी के बारे में, जेवरात के बारे में, उसके कपड़ों के बारे में। अगर नहीं सोच हमारी तो सिर्फ ईमान के, और हर चीज कमजोर चल सकती है, ईमान कमजोर नहीं चल सकता। अल्लाह ने हमसे इसका मुतालबा किया है, ला तमुतुन नहीं ला वंतुम मुस्लिमून, मरो इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। वो अनफुसा तुम वंगली को ना, अल्लाह ने फरमाया अपने आप को, अपने खाना को दोजख की आग से बचाओ। कौन सी दोजख, कौन सी जहन्नम? 29वां 30वां पारा देखो, अल्लाह ने पूरी जहन्नम कुरान में खोल के रखी। अलकारिया, मलकारिया, वमा अदराका मलकारिया, उल्लमा नफिदत जुनूदुकुम बदलनाकुम जुनूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। 70-70 कमरे की तय चढ़ेगी, आगे से जलेगा, पीछे से नया बनेगा, पीछे से जलेगा, आगे से नया बनेगा। दोज़खियों की हालत देखकर धूरी फरिश्ते कहेंगे, सालकुम खज़ानतुहा अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तेरे पास, क्या अल्लाह का कुरान नहीं आया था? क्या तेरे पास तेरे मोहम्मद तेरे पैगंबर का पैगाम नहीं आया था? प्रॉपर्टी काम आएगी, जायदाद, जमीन है, ये कोरोना में कितने मर गए, कितनी मर गई। हम बचे हुए क्या हम यहाँ पड़े रहेंगे? एक वक्त आएगा मेरा आपका जिंदगी का ताना बाना बिखर जाएगा। सारे दोस्त की कहेंगे, हमारा माल हमें कुछ काम नहीं आया, और किसी को भी नहीं आता, कभी कभी तो इकट्ठा किया हुआ भी बवाल बन जाता है। सिर्फ मेरा और आपका अच्छा अमल काम आता है। दुनिया वाले प्रॉपर्टी देखते हैं, फरिश्ते जब मैयत उठाई जाती है, फरिश्ते एक दूसरे से पूछते, देखो इसका अमल कैसा है। हमें किसी को रिश्ता देना हो तो हम देखते हैं उसके पास क्या क्या चीजें, गाड़ी है, जायदाद है, बंगला है, खुद का मकान है, वो सारी चीजें हम देखते हैं। फरिश्ते ये नहीं देखते कि भाई दुनिया में इसके पास कितना माल था, फरिश्ते ये देखते हैं कि इसका रजिस्टर करो नीट क्या कितनी है। 60 बरस 70 बरस फिर मर जाएंगी, क्या हमारे पास हमारी जायदाद का कोई लेके नहीं गया? मैं और आप क्या लेके जाएंगे? 40-50 बरस जिंदगी गुजर गई तो समझो दुनिया से हम बहुत दूर है, कबर से बिल्कुल करीब है। इक्का दुक्का इक्की दुक्की 70-75-80 तक पहुंचती है, और वो 80 साल की जिंदगी भी कैसी, रोजाना हाथ उठा के कहती है लगा डॉक्टर से जहर का निकाल, तो मरना ही अच्छा लगता है। अपनी जिंदगी में मेरी माँ ने बहन ने नेकी का अमल, नेकी का बीज डालो, आज एक एक पोंगे कल 700 के हिसाब से मिलेगा। तकरीरें तो हम कितनी सुनते हैं, सारा दारो मदार नियतों पर है, अमल की चिंगारी कि हमें बस ये करना है ये नहीं करना है। माँ आता कदू रसूल बपदू हमारा हाथ तुम आज मुफल, जो मेरा
محبوب سے اللہ فرماتا ہے جس چیز کو ہمارے پیغمبر نے بتلایا وہ کرو، جس سے روک دے ان سے رک جاؤ، دنیا آخرت قبر کل صراط کی زندگی اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے، ہاتھ تمہارا ہو دامن خالی کرنے والے کا۔ حضرت آسیہ کا ایمان کیسا ایمان تھا؟ فرعون کی بیوی تھی آسیہ، 400 برس تک جس کے سر میں درد نہیں ہوا وہ فرعون، جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، جو اس کی خدائی تسلیم نہیں کرتا تھا، وہ اسے مار دیتا تھا۔ جب نجومیوں نے بتلایا تھا ایک بچہ آئے گا تیرے تب تو تاراج کو الٹ دے گا، اس پاداش میں اس ظالم نے 70,000 بچے قتل کروائے، 90,000 حمل گروائے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرت سے قربان جاؤں، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے دربار میں بھیج دیا۔ حضرت آسیہ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئی، فرعون کو بڑا جب پتا چلا بڑا ناراض ہوا، غصے ہوا، شاہی تخت سے نکال دیا، شاہی محل سے نکال دیا، شاہی لباس بھی اتار دیا، سارے راحت چھن گئی، ساری آسائش چھن گئی، ارے سارا ٹکٹ دو جہان کا جو اکٹھا کیا ہوا تھا سارا چھن گیا۔ اور اسی پر فرعون نے پسند کیا، حضرت آسیہ کے ایک ایک ہاتھ میں ایک ایک پاؤں میں 100 میٹھے ٹھوک دی۔ اور ہمارے پاؤں میں ہاتھ میں ہلکا سا کانٹا جھک جائے ہائے واویلا کر دیے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا درد ہوتا ہے۔ حضرت آسیہ کے ایک ہاتھ میں 100 کیل، دوسرے ہاتھ میں 100 کیل، ایک پاؤں میں 100 کیل، دوسرے پاؤں میں پورے جسم میں 400 میٹھے کھڑی ہوئی ہے۔ قربان جاؤں حضرت آسیہ کی ایمان پہ، حضرت آسیہ فرعون سے کہتی ہے تمہیں میرے ایک ہاتھ میں 100 کیلے ٹھوکتی، دوسرے ہاتھ میں 100 کیلے ٹھوکتی، تمہیں میرے دونوں پاؤں میں کیلے ٹھوکتی، 400 کیل میرے جسم میں ہیں، آ میری زبان پہ بھی کیل ٹھوک دے، تو ادھر کیل مارے گا میں ادھر لا الہ الا اللہ پڑھوں گی۔ فرعون کہنے لگا آسیہ ابھی بھی تیرے پاس موقع ہے، ایک دفعہ میری خدائی مان لے، موسیٰ کے خدا کا انکار کر دے، شاہی محل میں تجھے میں داخلہ دے دوں گا، میں اپنی رانی بنا لوں گا، اپنی ملکہ بنا لوں گا، ساری راحت آسائش واپس مل جائیں گی۔ حضرت آسیہ کہنے لگی او ظالم، او نکمے، ارے پرلے درجے کا گدار، تیری سلطنت عارضی، تیرا مکان عارضی، تیرا محل عارضی، تیری بادشاہ عارضی، تیری ساری راحت کی چیزیں عارضی، میں یہاں جنت کی وہ چیزیں دیکھ رہی ہوں جس کی ساری چیزیں ابد الآباد ہیں۔ آج مرد دور نہیں کرتا، مردوں کا سارا وقت پیسے کمانے میں، عورتوں کا سارا وقت کھانا پکانے میں برباد ہو جاتا ہے۔ حضرت آسیہ کی ایمان پر اللہ کو ہرش آیا، اللہ نے جن کا قصہ قرآن میں بیان فرمایا، فرمایا وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، او میرے محبوب کالی کملی والے، زبان تیری کلام میرا، دنیا والوں کو اپنی امت کو آسیہ کی کہانی سناؤ، آسیہ کی داستان سناؤ، کیسی کافر کی بیوی ہو کر جنتی بن گئی، اور مسلمان کی عورت ہو کے جہنم کا اندھن بن رہی، کتنی مسلمان لڑکیاں گھروں کے پاس چلی گئی، یہ کس کی وجہ سے؟ موبائل، انٹرنیٹ، میڈیا، نندا ناچ، شادیوں میں دیکھو کتنی بربادی، کتنی بے حیائی، پرفیوم لگانا حرام ہے، اتنا دور سے پتا چل جائے تو انگریز کی بچی آ رہی۔ جس چیز سے منع کیا وہ ساری بربادی مسلمانوں کے گھروں میں۔ جب خدائی، جب سات موت سے پہلے پہلے آئے، حدیث میں ہے، قرآن میں بھی ہے، فرعون کا جب آخری وقت آیا اس کو پتا تھا کہ اب میرا آخری وقت ہے، تب جا کر اس نے کہا میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، اللہ نے کہا تھا کہ تیرا ایمان تیرے منہ پر مارتا ہوں، ایسا ایمان کیا تھا؟ کچھ مراحل موتیں ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ہم بات نہیں ایمان بھی رہے تو ایمان بھی قبول نہیں ہوتا، ابھی موقع ہے، ارے توبہ کھلا ہوا ہے، توبہ کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ابھی سورج کس کی دوسری جگہ پہ ہے جہاں سے روزہ نہ نکلتا ہے، جب سمت تبدیل ہو جائیں گی، روح بدلے گا، ارے توبہ بند ہوگا، تب پتا چلے گا کہ ہم نے کیا پایا ہے اور کیا کھویا ہے۔ ایک آدمی تھا، اس کو کسی لڑکی سے عورت سے عشق ہو گیا، وہ ہوٹل میں لے گیا، وہ لڑکی سمجھ گئی اپنا مطلب نکالنے آیا،
तो उसने मौका पाकर के कहा तूने अपनी अपना मौका तो अपना तूने अपना मतलब तो निकाल दिया, उससे भी तो पूछ तेरी क्या फरमाइश है, कहा तेरी क्या फरमाइश है, कहा भूख लगी है जा खाना ले आ। वो खाना लेने गया तो वो लड़की भाग गई। वो जब वापस आया तो वो लड़की नहीं थी, और वो इतना दीवाना था इतना फरेबता था, बकाया सारी जिंदगी एक हिरण लगा के रखी थी, वो खाना मंगवाने वाली कहाँ चली गई, वो मोटी आंखों वाली कहाँ चली गई, वो मोटे होठों वाली कहाँ चली गई। आखिरी वक्त है, लोगों ने कहा कलमा पढ़, कहा वो खाना मंगवाने वाली कहाँ चली गई, यही पकते पकते मर गया। हमने आज वही है दुनिया की रट लगा के रखी है, कितने लोग अस्पतालों में यही पकते पकते ही मर जाते, ये दुकान वो दुकान, ये जायदाद ये हीरे ये सोना ये चांदी। हजरत आसिया का ईमान कैसा था, कहा 400 ईंट है तूने मेरे जिस्म में गाड़ी है, मेरी जुबान पे कील ठोक, इधर तू कील मारेगा उधर मैं अल्लाह ताला की तौहीद का इकरार करूंगी। और अल्लाह ने खुश होकर जिसका जिक्र है कुरान ने फरमाया, फरमाया वो ज़रब अल्लाहु मसलन लिल्लज़ीन आमनू इम्रात फिरऔन। और आसिया ने कहा था इलाहुल आलमीन मुझे इस महल से निकाल दिया जाएगा, मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे इसके बदले में जन्नत का आलीशान महल अता फरमा। क्यों? इसके ईमान की वजह से। मेरी माए बहने वो भी औरत जात थी, सुमैया भी औरत जात थी, कितनी औलिया किराम अराबिया बसरिया और कितनी ऐसी किताबों में आया खवातीन का नाम मिलता है जिन्होंने सारी जिंदगी किया वही जिसका अल्लाह उसके रसूल ने हुक्म फरमाया, वो सारा काम छोड़े रखा जिसका अल्लाह उसके रसूल और कुरान ने मना फरमाया। आज हमारी जिंदगी का रवैया रहन सहन घरों में हमारा जो रहन सहन है वो दीन के साथ शरीयत के साथ कुरान के साथ दीन के साथ ऐसा है जो चीज मतलब की मिलती है वो हम लेते हैं बाकी सारा छोड़ देते हैं। जितनी बाकी जिंदगी है अपनी जिंदगी में मेरी माए बहने नेक की राह पर डालो, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करो, अपने बच्चों के हाथों में कुरान दो, इनका उठना बैठना किन लोगों के साथ है उसकी तहकीक करो। आज कितने बच्चे घरों में कितनी औलाद ऐसी है 2 बजे 3 बजे घरों में आती है और दोपहर के बाद उठते, कितने घर ऐसे मिलेंगे रमजान से रमजान आ जाता है घर का एक आदमी एक औरत कुरान नहीं पकड़ती, कितने घर ऐसे मिलेंगे दुनिया के कई ऐसे मुसलमान के घर मिलेंगे जिनका मामूल बना हुआ है रोजाना सुबह में पूरा घराना 9 बजे उठता है, फजर पता ही नहीं इनको। कितनी खवातीन ऐसी मिलेंगी जो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ती, कितनी औरतें ऐसी होंगी जिनको कुरान अंदर से के पढ़ते नहीं आता, कितनी ऐसी औरतें मिलेंगी जिन पर सहिया धमकी नहीं आती, दुआ कुनूत नहीं आता, जिन्होंने कभी इन चीजों को जरूरी नहीं समझा, इसी वजह से ये हालात आए हुए। आज कई अरसे के बाद तुम यहाँ बयान सुनने के लिए बैठी हो, पहले मामूल था यहाँ का हरिद्वार को कोई अलग आलिम आता था तुम्हारे सामने दीन की बातें करता था, अल्लाह ने इतना महरूम कर दिया 8-8, 9-9 महीने हो गए पूरी दुनिया में अल्लाह ने कैसा वायरस छोड़ा। अल्लाह फरमाता है मेरी बेनियाजी को समझो, अगर मैं चाहूँ तो इस वायरस में पूरी दुनिया को मैं हलाक कर सकता हूँ लेकिन अल्लाह ने फिर भी हमें मोहलत दे रखी है। आज कई टाइम के बाद तुम बयान सुन रही हो, मस्जिदों में अल्लाह ने नमाज से रोक दिया, मस्जिदें बंद हो गई, घरों में अल्लाह ने लोगों से कैद कर दिया। अल्लाह फरमाता है जब मैं बुलाता था तुम नहीं आते थे, अब तुम आना चाहोगे फिर भी मैं नहीं आने दूंगा। इतने लोगों का हज उम्र का प्रोग्राम था, अल्लाह ने सारा चौपट कर दिया, फिर भी आज हमें खुदा समझ नहीं आता, फिर भी हमारी मनमानी हमारा झूठ हमारी कीमत हमारा दूध हमारी रिश्वत सारा कुछ गुना हम करते। अगर अल्लाह पकड़ लेके आए तो सांस लेने की भी गुंजाइश न मिले, फिर भी अल्लाह रोजाना हजारों नियामतें खिलाता है, रात सारा दिन रात दिन ईरान तुरान की बकवास में बर्बाद हो जाता है। इसलिए बकाया जितनी जिंदगी है अपनी जिंदगी को नेकी की राह में डाले, तो मुसल्ला अपने लिए बिछाए तो छोटा मुसल्ला अपने बच्चे बच्ची के लिए बिछाए, इन्हें दीन सिखाओ इन्हें कुरान सिखाओ। घरों में हंसता खेलता टेलीविजन, खुदा की कसम ये हजारों लाखों रुपए के बंगले घर चलेंगे, इन घरों में आग के अंधेरे न भरो, तुम अनुकूल तुम अग्नि को नारा अपने आप और अहले खाना को दुर्दशा की आग से बचाओ। साहबा साहबा किराम और साहबियात अहले बैत बनाते रसूल अल्लाह के नबी की बेटियां इनकी जिंदगियां पढ़ो, तब जाकर पता चले कि इन्होंने जिंदगी कैसे गुजारी।
अपने घर को मुसलमान का घर बनाओ, दीनदार घराना बनाओ। दूर से पता चले, हमारे रवैये से, हमारी चाल चलन से पता चले कि ये किसी मोहम्मद मुस्तफा की गुलाम चल रही है। हमारे घरों में गैरों के गांव में कोई फर्क नहीं, हमारी शादियों में उनकी शादियों में क्या फर्क रहता है। मस्जिदों के बाहर फटाखे हम छोड़ते, आग के गोले आसमानों में हम छोड़ते, सारी ओरियानियत नंगा नाच बेहयाई शादियों में हम करते, डीजे डांस नाचना कूदना शादियों में सारा कुछ हमारे यहाँ भी होता है। इतने बकाया मेरी माए बहने नियतें करें, इंशाल्लाह पाबंदी के साथ नमाज पढ़नी है और पाबंदी के साथ रोजाना 24 घंटे में आधा घंटा 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा कुरान के लिए निकालो। कुरान अगर तुमने पढ़ा, कुरान से दोस्ती की, सीने से लगाया, जीरो दिमाग में अगर इसको जगा दी, कब्रों में जाऊंगी ये कुरान तुम्हारे लिए सिफारिश बनकर आएगा। अगर कुरान से बेवफाई की, कुरान को छोड़ दिया, कुरान से अगर तुमने रहबरी ना दी, कुरान से अगर तुमने रास्ता ना नापा, तो फिर ये कुरान हमारे लिए बवाल बनेगा, यही कुरान हमारे खिलाफ शिकायत करने के लिए कब्र में आएगा। इसलिए रोजाना 1 घंटा, 1.25 घंटा, आधा घंटा कुरान करीम की तिलावत करो, पाबंदी के साथ नमाज पढ़ो, अपने बच्चों की सही तरबियत करो। जितनी बाकी जितनी जिंदगी है मेरे आपकी जोड़ी में, पता नहीं मेरा आपका कितना वक्त बाकी है, जितनी जिंदगी रह गई गुनाहों से अपने आप को बचाओ, तब जाकर हम कामयाब है। वरना सिवाय दुश्मनी और खसारे के कुछ नहीं है। अंजाम सबका एक ही है, सबको कब्रों में जाना है, सबका अंजाम एक ही है, सबको अल्लाह के सामने पेश होना है, सबका अंजाम एक ही है कि महशर के मैदान में अल्लाह के नबी के सामने, बनाकर रसूल के सामने हमें पेश होना है। हम इनको क्या मुंह दिखाएंगे? मरने वाले मर गए, कितने लोग मर गए, कितने उलमा चले गए, कितनी खवातीन चली गई। एक वक्त आएगा मैं भी आप पेवंदे खाक हो जाएंगे, कब्रों में चले जाएंगे। इससे पहले पहले हम अपनी जिंदगी का रुख बदले, कुरान के रास्ते पर चले। अल्लाह और उसके रसूल की जिंदगी, अल्लाह और उसके रसूल ने कैसी जिंदगी गुजारने का हुक्म फरमाया, कैसी जिंदगी गुजारे, तब जाकर हम सुरखुरू सब फराज और कामयाब होंगे। वरना सिवाय रुसवाई और खसारे के कुछ नहीं है। अल्लाह ताला कल तुरी बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुनाजात है, समझ आए तो आमीन कहना। बहुत बिगड़ा है मेरा दिल, बदल दे मेरे दिल को किसी काबिल, बना दे बना दे मौला मेरा दिल, बना दे। बहुत बिगड़ा है मेरा दिल, बना दे मौला मेरा दिल, बना दे। बहुत बिगड़ा है मेरा दिल, बना दे। इसे दुनिया ने घेरा है खुदाया, बना दे। मैं हर शय में तुझे महसूस
दे, बना दे मौला मेरा दिल बना दे, पास बिगड़ाने मेरा दिल बना दे। गुनेगारी में कब तक दिन बिताए, गुनेगारी में कब तक दिन बिताए, बना दे मौला मेरा दिल बना दे, मेरे दिल को किसी का दिल बना दे। रसूलुल्लाह के सदके में या रब, रसूलुल्लाह के सदके में या रब, बना दे, बना दे मौला मेरा दिल बना दे, मेरे दिल को किसी का दिल बना दे। जो तेरी जात का मस्कन हो मौला, जो तेरी जात का मस्कन हो बना दे मौला मेरा दिल बना दे, बहुत बिगड़ा है मेरा दिल बना दे। गुजरती जिंदगी के साथ में क्या क्या नहीं बोला, गुजरती जिंदगी के साथ में क्या क्या नहीं बोला, नहीं बोला तो बस तेरा चेहरा नहीं बोला, नहीं बोला तो बस माँ तेरा चेहरा नहीं बोला। मेरे छोटे से छोटे ख्वाब की तकमील की खातिर, मील की खातिर मुसल्ले पर तेरा दामन को फैलाना नहीं बोला, नहीं बोला तो बस माँ तेरा चेहरा नहीं बोला। चबा कर चूस कर बचपन जो माँ ने खिलाया था,
कल ऐसी मैं सोता हूँ, मगर अभी मैं तेरे हाथ का पंखा नहीं भूला, मगर अभी मैं तेरे हाथ का पंखा नहीं भूला। दिसंबर के महीने में तेरा सर्दी के मौसम में, दिसंबर के महीने में तेरा सर्दी के मौसम में, उनके बाप से हाथों को गरमाना नहीं भूला, नहीं भूला तो बस माँ तेरा चेहरा नहीं भूला। बहुत आसाइश है मखमली बिस्तर सोने को, बहुत आसाइश है मखमली मगर अभी तेरे में हाथ का तकिया नहीं भूला, नहीं भूला तो बस ए माँ तेरा चेहरा नहीं भूला। اللهم لك الحمد حمدا حمدا دائما كما انت اهله، وصل على محمد كما انت اهله، وافعل بنا ما انت اهله، انك اهل التقوى واهل المغفره، مولاي كريم هم سب کی مغفرت فرما، يا الله هم سب کے گناہوں کو معاف فرما، يا الله حالات کو درست فرما، يا الله تو ہم سے راضی ہو جا، تیرا عشق تیری معرفت نصیب فرما، يا الله اخلاص اور للہیت کی دولت سے مالا مال فرما، یا اللہ قبل اس کے کہ لوگ ہمیں گزر دے اس سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ قبل اس کے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائے یا اللہ تقویٰ کا پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ قبل اس کے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائے اپنے اختیار سے اللہ کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ قبل اس کے کہ لوگ ہمارا جنازہ اٹھائے، یا اللہ قبل اس کے کہ بارگاہ میں ہماری پیشی ہو، یا اللہ اس سے پہلے تیری رضا نصیب فرما، یا اللہ جو گناہ یاد ہے وہ بھی معاف فرما، یا اللہ جو بھول گئے وہ بھی معاف فرما، اندھیروں میں کیے وہ بھی معاف فرما، اجالوں میں کیے وہ بھی معاف فرما، یا اللہ جتنے گناہ کیے آج تک تیری نا فرمانی کی بغاوت کی تیری نعمتیں کھاتے رہے مجھ سے جو بھائی کرتے رہے، یا اللہ ہم سب کو معافی عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو معافی عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو معافی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال پاکیزہ صحیح روزی عطا فرما، جتنی خواتین یا اللہ آئی ہوئی ہے سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، یا اللہ اس شہر گوگرا سے جتنی خواتین مرد اور نے جتنی انتقال کر گئی، یا اللہ سب کو کروٹ کروٹ جنت کی بہار نصیب فرما، سب کے حسنات کو قبول فرما، یا اللہ سیئات کو اپنے فضل سے معاف فرما، یا اللہ دنیا بکتے بکتے دنیا کماتے کماتے تیرے قرآن کے خلاف، تیرے محبوب کی سیرت کے خلاف، تیرے پیغام کے خلاف، یا اللہ کمانے سے یا اللہ چلنے سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، کام وہی کرا جس سے تو راضی ہوتا ہو، ہمیں بچا ان سب کاموں سے جس سے تو ناراض ہوتا ہو، یا اللہ یا اللہ یا اللہ موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ موت ایسی حال میں دے بیت اللہ میں ہو، یا اللہ حرم شریف میں ہو، زبان ہماری ہو ہماری زبان سے تیرا قرآن ہو، مدینہ میں ہو روضے کے سامنے ہم کھڑے ہو زبان ہماری ہو ہماری زبان سے تیرے محمد کے نام کا درود ہو، یا اللہ ایسی شہادت مندی والی موت ہم سب کو نصیب فرما، دنیا بکتے بکتے دنیا کماتے کماتے یا اللہ ایکسیڈنٹ والی موت، یا اللہ آگ میں جل جانے والی موت، یا اللہ پانی میں ڈوبنے والی موت، یا اللہ ایسی موہنی کمبار سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ کسی بندہ بندی کا ہم پر کوئی حق نہ ہو، زمین کے جس ٹکڑے میں جانا ہے یا اللہ وہ بھی ہماری آمد پر خوشیاں منائے، یا اللہ ہم سب کو ایسی موت نصیب فرما، ہم سب کا خاتمہ دل خیر فرما، خواتین کو یا اللہ اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ قرآن سے عشق نصیب فرما، قرآن سے دوستی عطا فرما، سجدے کا سرور عطا فرما، ایمان کی حلاوت عطا فرما، قرآن کا لطف عطا فرما، یا اللہ قرآن کا لطف عطا فرما، جب تک دن
بشارت ایمان کی حالت میں بشارت موت آئے کرنے کے ساتھ موت آئے کیا اللہ ہم سب کے متعلق ایسا فیصلہ فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین